हापुड़ के वार्ड नंबर 22 में कितना विकास हुआ है ये जानने के लिए ई हापुड़ न्यूज़ की टीम जब क्षेत्र में पहुंची तो कुछ तस्वीरें देखकर दंग रह गई। यहाँ हैंडपंप में तो पानी नहीं था लेकिन सड़क पर साफ पानी की बर्बादी हो रही थी। इसी के साथ जगह जगह टूटी पुलिया, क्षतिग्रस्त खड़ंजे की वजह से स्थानीय लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। जनता ने सभासद द्वारा किए गए विकास को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकास तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से वहाँ तक चुंगी तक पानी भर जाता है, जरा बिना बारिश के भी यहाँ से वहाँ तक पानी भरता है। निकलने बढ़ने आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। अब आपने नल भी देखा, नल भी कब से ख़राब है, यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, ज़रा सा पानी भरता है नाली में और पूरा सड़क पर आ जाता है। शिकायत जो ने कितनी बार कर दी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। मेम्बर साहब को दिखाई देता है मगर मेम्बर साहब ने कभी देखा ही नहीं। देखो जो विकास करेगा मौका तो उसे मिलेगा, अभी तक तो विकास हो नहीं रहा है यहाँ पे। विकास तो सभी हो रहे हैं, वैसे किसी को मेंबर को कह लगा कैसे उल्टे हैं सीधा। हम मेंबर 2 महीने में तो 1 महीने 15 दिन में आ जाता नाली वाली देखने के लिए, और नाली वाली देख के नहीं कि फिर समझा के भी जाता मेंबर, वैसे इतना करता वो। और इन पर जो थोड़ी सख्ताई भी करता, जो कूड़े वाले हैं ना ये जो मतलब ये नाली जो साफ करें और वो ज़्यादा ना करते हैं फिर उनकी वो करता, फिर पता नहीं इनको चुनना चाहिए भाई कायदे में। तो बहुत विकास हुआ जी, बहुत विकास, नाली पानी लाइट और सफाई बहुत अच्छी तरीके से अभियान चल रहा है आज भी, खुदा का शुक्र है। और सब लोग खुश हैं यहाँ, जो भी मेंबर हैं हमारे वार्ड के या हमारे कार्यकर्ता हैं जितने भी नगर निगम के, सब बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं। डॉक्टर देखो जी, ये तो खुदा जानता है, जो काम अच्छा करेगा वोट उसी पे जाएगी बाबू। अभी तक अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो इंशाल्लाह वोट उसी पे जाएगी ना। हापुड़ के वार्ड नंबर 22 के सभासद हैं रेशमा, जिन्होंने साल 2017 में आरिफा को हराकर चुनाव में जीत हासिल की। बता दें कि हापुड़ के वार्ड नंबर 22 में मोहल्ला कोटला मेवतियान मदरसा सादात शामिल हैं। जो गंदगी है।